नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 22वें लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच में बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। मैच में बैंगलोर की तरफ से एवी डिविलियर्स ने सर्वाधिक 42 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 धमाकेदार छक्के लगाए। लेकिन मैच के मिड इनिंग के दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, जैसे ही एवी डिविलियर्स नाम का तूफान मैदान में खत्म हुआ, वैसे ही मैदान पर सैंड स्टॉर्म आ गया। जी हाँ, जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी खत्म हुई, वैसे ही तेज आंधी मैदान पर आ गई और जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ गया और काफी देर तक मैच रुका रहा। यह अपने आप में हैरान कर देने वाला वाक्य था, क्योंकि चारों ओर धूल भरी आंधी उड़ रही थी, जिससे खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी और अंपायरों ने काफी देर तक मैच को रोके रखा। ये आईपीएल में संभवतः पहली बार हुआ है जब इस तरीके से सैंड स्टॉर्म की वजह से मैच को रोकना पड़ा था। करीबन 10 मिनट खेल रुका रहा और इसके बाद दोबारा से खेल शुरू हुआ। आईपीएल ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस सैंड स्टॉर्म का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफी तेजी से हवाएं चल रही हैं और खिलाड़ी अपने आंखों पर धूल जाने की वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। अंपायर ने काफी देर तक इस मामले को देखा, हालांकि जल्द ही सैंड स्टॉर्म रुक गया और फिर खेल दोबारा से शुरू हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।